अध्यापक इस वक्त पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वोरा सर, ये युद्ध तो मैं बार बार वही पूछती हूँ आपसे कि ये युद्ध तो और भी आगे बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ये दो दिन से फिर से टेबल टॉक की कोशिश हो रही है। एक राउंड बातचीत हो चुकी है, बेनतीजा रही बेलारूस में वो बातें, लेकिन अब कहा गया ज़ेलेंस्की की तरफ से कि सीज फायर पर आप बात कीजिएगा तो हम टेबल टॉक करेंगे। उसके बाद रूस ने बार बार ये कहा कि पहले बात करते हैं उसके बाद आगे की स्थिति। तो युद्ध रोकने के लिए बातचीत तो जरूरी है, लेकिन अभी भी क्या पश्चिमी देशों के अकॉर्डिंग ही चल रहा है यूक्रेन? जो मीडिया परसेप्शन है, जैसा अभी जनरल साहब ने बड़े अच्छी तरह समझाया, वो तो टोटली रूस हार चुका है, क्योंकि सारा मीडिया जो है, सोशल मीडिया वगैरह, वो तो कंट्रोल्ड है वेस्टर्न इंटरेस्ट से। एक अंग्रेजी की कहावत होती है मैम कि जब कोई भयंकर चीज होने वाली होती है उससे पहले खामोशी होती है। आप कहते हैं लल बिफोर द स्टॉर्म, जो मैं देख रहा हूं दिस इज द स्टॉर्म बिफोर द लल। भयंकर युद्ध हो रहा है लेकिन बातचीत होनी अनिवार्य है। कोई नहीं चाहता कि यूक्रेन में नुकसान हो, क्योंकि बाद में रिकंस्ट्रक्शन में फिर दावा होगा 50 बिलियन 100 बिलियन ये सब कहानियां सुनाई जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज इस समय जो भारत हमेशा कहता रहा है, प्लीज स्टॉप फाइटिंग, क्योंकि जॉ जॉ बात करना इज बेटर देन वॉर। वॉर वॉर का कोई फायदा नहीं है। और मुझे लगता है कि ये भयंकर लड़ाई होगी, इसके बाद धीमे धीमे हल्के हल्के उसमें टेपरिंग होगी, फिर बातचीत पर ये राजी हो जाएगी। सर मैं आती हूँ शैलेंद्र सिंह कर्नल। शैलेंद्र, अब आखिरी कमेंट हम आपसे ये चाहेंगे कि युद्ध की स्थिति में और युद्ध में जल रहा है इस वक्त यूक्रेन, और सबको मालूम है कि रूस एक हद तक प्रेशर बना रहे, लेकिन ये प्रेशर ही सही कहाँ तक जाने वाला है? क्योंकि अब सीधे सीधे सर खादियों से जो आज खबरें आई कि 34 लोग बीते 24 घंटे में मारे गए, अगर आम लोग रोक रहे हैं तो अब उनके ऊपर वार हो रहा है, तो ये प्रेशर ही सही आम लोगों के ऊपर है सर? और इसमें कोई डाउट नहीं, आज नहीं तो कल वो प्रेशर आम लोगों पर ही आना होता है। कोई भी वॉर में जो फौजी है, ही हैज जॉइंड फौज फॉर फाइटिंग इन वॉर, उसका अल्टीमेट एम ये रहा है। लेकिन जब आप सिविल एरियाज में जाएंगे, कीव में जाएंगे, खारकीव में अंदर जाएंगे, खारकीव उनकी पुरानी कैपिटल है अल्टीमेटली, वहाँ पर भी कुछ हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर भी काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट है, जब आप अंदर जाएंगे तो अल्टीमेटली आपके सामने कौन आएगा? सिर्फ फौज तो आएगी नहीं, साथ में पब्लिक आएगी। यूक्रेन इस समय प्राइड ले रहा है कि हमारे पब्लिक के लोगों को भी हमने हथियार दिए हैं और वो फाइट कर रहे हैं। अब वो किस कैटेगरी में जाएंगे? फॉर रशिया दे आर एनिमीज, किसी के पास हथियार है वो सीधे सीधे फौजी है। सो इसमें जो बेसिक लॉस होगा ना, वो मानवता का लॉस होगा दोनों ही कंट्रीज, चाहे उनके सिविलियन मरेंगे। सर लेकिन एक बात आ रही थी कि मानवता पे असर नहीं होने देंगे अब रूस और पुतिन, इसलिए क्योंकि जो यूक्रेन के नागरिक हैं वो 70% से ज्यादा रूसियन हैं, मतलब वही भाषा वही बोलचाल, नाते रिश्तेदार, इस तरीके से वहां का कल्चर है दोनों देशों का। देखिए आप मुझे एक बात बताइए, ये बोल तो दिया, ये तो डिप्लोमेसी का स्टेटमेंट है कि हम कोई सिविल टारगेट नहीं लेंगे। आपको वेस्टर्न कंट्रीज के जो क्लिपिंग्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? तो सारे यही दिखा रहे हैं कि इनोसेंट लोग मर रहे हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे कि जो लोकल्स हैं उनके ऊपर, उनके पड़ोस में फायर हुआ। आपके पास अब आती हूँ आखिरी कमेंट पिनाक चक्रवर्ती से भी मैं ले लेती हूँ। सर ये युद्ध कहाँ जाएगा? ये बीते 8 दिनों की स्थिति तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन 2 से 4 दिनों में क्या होने जा रहा है, क्योंकि बातचीत के लिए तो आज भी कुछ नहीं हुआ। एक और समस्या ये है, इधर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हमने उनको हथियार दे दिए हैं, तो क्या वो नॉन कॉम्बेटेंट से कॉम्बेटेंट्स बन गए हैं? अब जैसे मेरे वरिष्ठ सीनियर एम्बेसडर जो न्यूयॉर्क में है दीपक जी कह रहे थे कि ये कहाँ जाएगा, और जब आप सवाल जो आप पूछ रहे हैं तो ये क्या स्टॉर्म बिफोर द लल है, जैसे उन्होंने कहा, बड़ा आयातली कहा कि भाई ये रशिया जो 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 उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, देखिए हर एक युद्ध में एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है जी। सिर्फ युद्ध करने के लिए युद्ध पे कोई आता नहीं है कोई देश, तो इसीलिए पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑब्टेन करने के बाद ही बातचीत होगी या सीज फायर होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरे ख्याल में ये कुछ दिन और चलेगा, जब तक रशियन नाइपर नदी तक ना पहुंच जाए, और उनकी जो और भी जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं कि कहां कहां हमने ग्राउंड होल्ड करना है, बिल्कुल वो जहां तक सर, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हमने आप तीनों के जरिए अपने दर्शकों को बहुत आसान तरीके से समझाया बताया, तस्वीरें दिखाते हुए कि 8 दिन बाद भी युद्ध किस स्थिति में है और अभी आने वाले 2 से 4 दिनों में क्या होने जा रहा है।